हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की ओर से फार्मासिस्ट के लिए एक बम्पर वैकेंसीज आई हैं, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 2020 यानी कि 2020, उसके बारे में हमने बात की थी। एक शॉर्ट नोटिस आया था गवर्नमेंट की साइड से, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि क्या क्या उस नोटिस में था। आज हम बात करने वाले हैं कि उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है। क्या सर वो सिर्फ राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए ही होने वाली है, मींस कि जो राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए? क्या अदर स्टेट्स के बच्चे उसमें एलिजिबल हैं या नहीं? क्या क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मींस कि उसमें डिप्लोमा चाहिए या बैचलर चाहिए या एमफार्म चाहिए, और उसमें क्या चार्जेस होने वाले हैं, मींस कि उसकी फीस कितनी है, उस फॉर्म को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके लिए या हमें अपने डॉक्यूमेंट्स कुरियर करने हैं उनकी ऑफिशियल एड्रेस पे, क्या उसमें मोड ऑफ सिलेक्शन होने वाला है, कोई पेपर होना है, इंटरव्यू होना है या डायरेक्ट उसमें ऐसे ही जाना है, मींस कि कोई उनका अपना बोनस क्राइटेरिया कुछ एज सच। तो पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, किसके रिगार्डिंग, जो बम्पर वैकेंसीज आई है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, जो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है हमारी 2020 यानी कि 2020। जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी उसमें एक वेबसाइट का जिक्र किया गया था कि ये वेबसाइट जो है 17/11/2022 को स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 17/11/2022 को वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का वेब पेज ओपन होकर आएगा। वहां लिखा होगा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एक रीसेंट अपडेट का ऑप्शन आएगा, जहां लिखा होगा नर्सिंग पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2022। तो जैसे ही आप यहां देखेंगे, यहां शॉर्ट एडवर्टीजमेंट के बारे में जिक्र किया गया है, यहां डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट के बारे में जिक्र किया है। तो सबसे पहले एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि ये शॉर्ट एडवर्टीजमेंट क्या था। तो शॉर्ट नोटिस ओपन होकर आ गया है, तो यहां जब आप देखेंगे राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, तो यहां आपको दिख जाएगा, यहां था राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान शिफू जयपुर द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के लिए नर्सिंग ऑफिसर एवं फार्मासिस्ट के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान सेवा नियम 1965 के यथार्थ आपकी ये सब वैकेंसीज आई थी, जहां था हमारा नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के लिए यहाँ 2020 वैकेंसीज आई थी, जिसमें जिक्र किया गया था और ये कहा गया था कि 24/11/2022 से आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे, और कब तक, 23/12/2022, यानी कि 24/11/2022 से ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा और 23/12/2022 तक आप इसको भर सकेंगे। उसके बाद जब आप इसमें थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर 10 पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके बारे में जिक्र किया गया है, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या उन पॉइंट्स में जिक्र किया गया है। यहां बोला गया है कि आयु सीमा जो है आपकी 1/1/2023 से काउंट की जाएगी, यानी कि जो भी इन्होंने एज बाउंडेशंस बनाई हैं, जैसे कि इन्होंने बोला है कि 18 वर्ष से मैक्स टू मैक्स 40 वर्ष, यानी कि 18 साल से लेके 40 साल तक के जो लोग हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो एज काउंट होगा, आयु सीमा काउंट होगा, वो 1/1/2023 से, यानी कि 1/1/2023 से इसमें काउंट किया जाएगा। और बाकी उसमें आगे पॉइंट्स दिए गए थे कि जो वेबसाइट थी, जो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, और एक ये वेबसाइट, ये बोला गया था कि ये वेबसाइट्स आपकी ओपन हो जाएंगी, कब ओपन होंगी, 17 नवंबर को। तो ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है, अब इसमें हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये था शॉर्ट नोटिस, जो एक एडवर्टीजमेंट था इस पोस्ट के लिए। अब हम बात करते हैं इसका जो पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, एक डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, उसमें क्या बोला गया है। जब आप इस वेब पेज को ओपन करेंगे, मींस कि जब डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट को ओपन करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आएगा, जहां आपके सामने लिखा हुआ होगा कि राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का है, कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने दी हुई है। अब हम बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं, किस पोस्ट के लिए। यहां पर आपका फार्मासिस्ट के लिए भी दिया हुआ है और साथ ही साथ आपका नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी मेंशन किया गया है। अगर हम फार्मासिस्ट की बात करें तो यहां पर 1746 यानी 1746
एक कैटेगरी है जो कि फार्मासिस्ट नॉन टीएसपी है, और दूसरी अगर हम बात करें तो 181 यानी कि 181 जो कि फार्मासिस्ट टीएसपी है। तो इन दोनों को जब काउंट करेंगे तो आपकी जो है लगभग लगभग 2020 के आसपास ही जाकर टोटल बैठेगा। पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि जनरल कैटेगरी में कितनी है, सामान्य वर्ग के लिए कितनी है, सामान्य महिला के लिए कितनी है, ऐसे ही एससी कैटेगरी में मेल्स के लिए कितनी है, फीमेल्स के लिए कितनी है, एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस सबके लिए यहां पर वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि कितनी कौन से जेंडर में कितनी वैकेंसीज आई हैं और कौन सी कैटेगरीज में क्या क्या होने वाला है, वो पूरा है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यहाँ नीचे नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी मेंशन किया गया है, ऐसे ही फार्मासिस्ट के लिए भी मेंशन किया गया है। अब अगर हम इसकी बात करें कि सर हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कैसे हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले जब आप इस नोटिस के नीचे जाएंगे पेज नंबर 2 पर आएंगे तो वहां पर कुछ आपके आरक्षण के बारे में जिक्र किया गया है, यानी कि रिजर्वेशन किस किस कैटेगरी में किस तरीके से होने वाला है वो यहाँ मेंशन किया गया है कि जैसे जो राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या आरक्षण है, इसी तरीके से जो विधवा वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए क्या आरक्षण है, और कोई अगर उसमें गवर्नमेंट जॉब्स में पहले से ही जॉब कर रहा है वो इसमें अप्लाई करना चाह रहा है तो उनके लिए क्या आरक्षण है, और ऐसे ही कुछ बच्चे जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कहीं जॉब कर रहे होते हैं गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में यानी कि संविदा पर काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए भी यहाँ आरक्षण है, उनके लिए भी बोनस है। तो वो क्या क्या किस तरीके से उस बोनस को यानी कि उस आरक्षण को बांटा गया है वो आप यहाँ इस पेज पर पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में। अब हम बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। जैसे ही आप पेज नंबर 3 पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु भी आपका यहाँ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दिखेगा, और साथ ही साथ नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ फार्मासिस्ट पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि जिन लोगों ने डी फार्मा किया हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल है। अब साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ सबका क्वेश्चन एकदम जो क्वेरीज हैं वो खत्म हो जाएंगी, कौन सी कि सर कौन सी स्टेट के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम नॉन राजस्थान स्टेट्स के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट इन राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, तो यहाँ आपकी ये क्वेरी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है कि जो बच्चों का फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से होना ही कंपलसरी है, यानी कि आरपीसी जिसे राजस्थान फार्मेसी काउंसिल कहते हैं, जिन्होंने यहां से अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो ही सिर्फ इसके लिए एलिजिबल है और अदर स्टेट्स के बच्चे इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करें कि सर क्या बैचलर इसमें एलिजिबल है या नहीं, यानी कि जिन्होंने डिग्री की हुई है बी फार्मा वो लोग इसके लिए एलिजिबल है, हालांकि हमारा रजिस्ट्रेशन वहीं से है राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से। तो यहां देखिए बिंदु संख्या 2 के लिए राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जयपुर द्वारा डी फार्मा बी फार्मा कोर्स हेतु जारी पंजीयन क्रमांक लिखना अनिवार्य है। तो यहां पर क्लियर हो गया है कि डी फार्मा और साथ ही साथ आपका बी फार्मा यहां दोनों एलिजिबल हैं। और आपका जब रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं फार्मेसी काउंसिल में तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो बच्चों को यहाँ लिखना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि सर हमने डी फार्म कर लिया है या बी फार्म कर लिया है लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए हमने अप्लाई कर दिया है वो आ जाएगा, नहीं, इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, वो आपको उस फॉर्म में एंटर करना होगा जो भी इन्होंने फॉर्म बोला है। साथ ही साथ आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बोला हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन पढ़ पाएंगे, साथ ही साथ 24 नवंबर से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो डी फार्मा अथवा बी फार्मा कोर्स दोनों व्यावसायिक योग्यता काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है, साथ ही साथ डी फार्मा अथवा बी फार्मा कोर्स दोनों व्यावसायिक योग्यता होने की स्थिति में आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यानी कि आपने जो परसेंटेज गेन की है, आपकी जो परसेंटेज आई है डी फार्मा में या बी फार्मा में, उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा।
और जिनके पास एक्सपीरियंस है एक साल का, दो साल का, चाहे वो डी फार्मा से है, वो बी फार्मा से है, तो उन लोगों को बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, उसके आधार पर उनका सिलेक्शन होगा, उसके आधार पर भी मेरिट लिस्ट बनेगी, साथ ही साथ आपकी परसेंटेज को भी कंसिडर किया जाएगा। और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी कि संविदा पर कहीं काम कर रहे हैं तो उन लोगों को भी बोनस मिलेगा और उनके भी डी फार्मा बी फार्मा के मार्क्स को भी कंसिडर किया जाएगा। यहां आगे हम बात करें तो उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित में यथाविहित समस्त अन्य योग्यता पूर्ण करना अनिवार्य है, वह आवेदित पद के लिए इन नियमों के तहत नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है वो आपको फॉलो करना है, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आप इनमें इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो वो विद्यार्थी, वो बच्चा इसको इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, ये क्षमा प्रार्थी है। तो इट मींस कि आपका डी फार्मा बी फार्मा होना जरूरी है और राजस्थान बोर्ड से ही आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और राजस्थान बोर्ड से ही आपका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। यहां अब हम बात करते हैं कि जो पे ग्रेड होने वाला है, पे स्केल होने वाला है, वो किस प्रकार से होने वाला है। तो यहां दिया है इन्होंने कि फार्मासिस्ट पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 10 यानी कि जो पे ग्रेड L10 है उसी के अनुसार आपकी यहां पर सैलरी होने वाली है, जो भी इसमें आता है उसी के अनुसार आपकी सैलरी फिक्स की जाएगी। मंथली जो भी आपकी सैलरी बनेगी वो लेवल 10 के आधार पर बनेगी। अब हम बात करें एज रिलैक्सेशन के लिए भी यहां पर उन्होंने जिक्र किया हुआ है। जैसे ही आप इसमें स्क्रॉल करेंगे तो यहां बोला हुआ है सामान्य वर्ग की महिलाओं की एक्सटेंशन में 5 वर्ष दिया हुआ है। इसी तरीके से राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए भी 10 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो जो भी एज रिलैक्सेशन है उसको भी आप यहाँ पर कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। आगे हम चलते हैं, इसमें बात करें, जब आप इसमें नीचे की तरफ जाएंगे, इस पीडीएफ में नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। जैसे कि आपके फोटो का साइज क्या होने वाला है, बैकग्राउंड क्या होने वाला है, इसी तरीके से जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो उनको किस फॉर्म में, उनका क्या फाइल का साइज होना चाहिए, वो सब उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ ही साथ आपके जो साइन सिग्नेचर होने हैं, जिसे हम हस्ताक्षर कहते हैं, वो भी एक्यूरेट होने चाहिए, जो भी इन्होंने यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है। जब आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते चलेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप इजीली हो जाएगा, किसी तरीके की आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमारी फीस कितनी होने वाली है, क्या हमारे चार्जेस हमको पे करने हैं, जनरल कैटेगरी में कितना हमको पे करना है। ऐसे ही बात करें कि हमें ओबीसी कैटेगरी में या एसएससी कैटेगरी में कितना पे करना है, तो यहां दिया हुआ है सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 500 रुपए, सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी वाले लोग जो है इसे 500 रुपीज सिर्फ इसकी फीस पे करनी है। बात हम करें कि जो ईडब्ल्यूएस में है उन्हें 350 रुपए पे करने हैं, जो समस्त विधवा या अन्य जो भी कैटेगरीज इसमें आती हैं उन सबको 250 रुपए पे करना है। साथ ही साथ जो हमारे टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, उनको भी 250 रुपए यहाँ पर अपना पे करना है। तो लास्ट डेट जो होने वाली है इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए, यानी कि लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, वो 23 दिसंबर 2022 है, मध्य रात्रि 12 बजे से पहले पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। तो ये थी पूरी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो भी आप सभी की क्वेरीज थी वो सब यहाँ सॉर्ट आउट हो गई है। और इस पोस्ट के लिए जो एलिजिबल है वो डी फार्मा बी फार्मा दोनों ही एलिजिबल है, लेकिन वो ही भर सकते हैं इस फॉर्म को, वो ही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन राजस्थान फार्मेसी काउंसिल RPC से करा रखा है। उसके अलावा अदर स्टेट्स के लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। तो ये थी हमारी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो राजस्थान के पिछले 9 साल से वैकेंसीज का इंतजार चल रहा था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है और उन्होंने पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन डाल दी है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है और क्या मोड ऑफ सिलेक्शन होने वाला है। होपफुली आपको समझ आया होगा। 24 नवंबर 2022 जैसे ही आए तो आप अपना इस फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 23 दिसंबर 2022 ही होने वाली है। गुड लक गाइस, डरने की क्या है बात, जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ।